महेश कामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। मुंब्रा की ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। ज्यादातर वजह यह भी है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मौके पर ना ही ट्रैफिक कांस्टेबल और ना ही कोई वार्डन रहता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि रास्तों पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक दूसरे से लोग लड़ने लगते हैं। दोपहर के वक्त काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है। शिमला पार्क की ये तस्वीर है जहां काफ़ी ट्रैफिक जाम हुई है और जिसके बाद लोग इधर उधर अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाने लगे। यहां पर ट्रैफिक को दिशा निर्देश देने के लिए कोई भी ट्रैफिक विभाग का कर्मचारी मौजूद नहीं था। आखिरकार मुंब्रा कौसा में क्यों ट्रैफिक हवलदार की तैनाती नहीं रहती है? वैसे इसी ट्रैफिक के मुद्दे पर शहर के जिम्मेदार लोग ट्रैफिक विभाग में जाकर मीटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, मगर होता कुछ नहीं है। मुंब्रा कौसा के लोग आज भी ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। शिमला पार्क की ये तस्वीर है जहां कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर जाम लगने पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, मगर इन्हीं लोगों से लोग उलझना शुरू कर दिए। मुंब्रा के शिमला पार्क की ये तस्वीर है, आप भी देखें। ये देखो सब रिक्शे वाले लोग हैं जो ट्रैफिक यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। वो खाली टेंशन अपना कल्याण भाटे पे रहेंगे क्या? ये कौसा नहीं दिखता उनको। देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जैसे आप सब देख सकते सब रिक्शे वाले लोग हैं जो मुंब्रा की जो है ट्रैफिक यहाँ मैनेज कर रहे, लेकिन कोई हवलदार नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और जैसे ये आप लोग देख सकते, देखिए अगर ट्रैफिक मैनेज करेंगे रिक्शे वाले लोग तो ये लोग जैसे उलझते दादागिरी करते। देखिए ऐसी दादागिरी रिक्शे वाले लोग से कॉपरेट बिल्कुल नहीं करते। जो ट्रैफिक देखिए आप कर रहे हैं।